नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर एक और बड़ी खबर है। दोस्तों सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। यहाँ पर क्या है खबर? एक बड़ी भर्ती को लेकर बड़ी खबर। जी दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। जितने भी इंजीनियर हैं उन सभी को बड़ी खुशखबरी मिली है ये न्यूज़ देख करके। जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे JN की तैयारी कर रहा है या फिर RPSC AN की जो है इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहा है, उन सभी बच्चों को बड़ी खुशखबरी है। आप सोच सकते हैं, इससे JN को इसलिए खुशी है क्योंकि अब इनका ये रहेगा इंटरव्यू, तो वह इसमें बिजी हो जाएंगे। तो इसी को देखते हुए JN को तो इसीलिए खुशी है और AN को इसलिए खुशी है, AN वाले बच्चों को, क्योंकि उनकी इंटरव्यू की डेट घोषणा हो चुकी है। चलिए पूरी खबर देखते हैं, क्या है खबर का राज। तो खबरें यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से 27/8/2021 अभी देर रात को जारी किया गया है। आयोग द्वारा सहायक अभियंता सिविल, विद्युत, यांत्रिकी और कृषि संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 हेतु सहायक अभियंता सिविल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग के पदों हेतु प्रथम चरण में 1024 बच्चों को यहाँ पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी डेट घोषणा हो गई है। 7 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे। शेष अभ्यर्थियों के साक्षात कार्यक्रम यथासमय जारी कर दिए जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है, साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र मय फोटो प्रति 7 अवश्य लाएं, अन्यथा साक्षात्कार से वंचित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको COVID-19 वगैरह की सारी जो है गाइडलाइन का पालन वगैरह करना है आपको। और यहाँ पर यह जानकारी देख सकते हैं, जानकारी दी है नीतू यादव, संयुक्त सचिव जो है, उन्होंने अभी हाल ही में यह बड़ी खुशखबरी दी है राजस्थान के युवाओं के लिए। देख सकते हैं बड़ी खबर, विभाग जो है बिल्कुल जो है अलर्ट पे चल रहा है, लगातार भर्तियां कराने में पूरा जोर लगा रखा है। राजस्थान सरकार ने जो है इस बार पूरा कसम खा ली है कि हम पूरी भर्तियों को करवाएंगे, क्योंकि किसी भी भर्ती को जो है टालने का मन नहीं है। ऐसा है कि भर्ती के आगे जो है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम आ रहे थे, वो परेशानी कर रहे थे, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दी, पोस्टपोन कर दी। ऐसा है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं की, पोस्टपोन नहीं की। एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम में परेशानी आ रही थी, उसकी भी एग्ज़ाम की आगे कर दी यूनिवर्सिटी की। उसके अलावा रीट की एग्ज़ाम में परेशानी आ रही थी, वो भी आगे कर दी। तो सोचो आप कि कितना कुछ करना चाहते हैं यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए। इस बार तन मन धन के साथ भर्ती को पूरी कराने में लगे हुए हैं। आशा करते हैं ऐसे ही लगातार भर्तियाँ होती रहेगी और आप सभी को यह जानकारी भी बहुत पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना।